नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के 2022 के परिसीमन को ही मंजूरी दे दी है। इसके चलते अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को एक हफ्ते में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या आदेश दिया है सर? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिसमें पिछड़े वर्ग को चुनाव में नगरी निकाय हैं और पंचायतों के इन सभी निर्वाचनों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, उसमें प्रथम दृष्टया एक तरह से उन्होंने अनुमति दी है कि राज्य शासन सिफारिश जो आई है उस पर अमल कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए निर्वाचन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है। सर, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें तो 35% आरक्षण की सिफारिश की गई थी, लेकिन उससे तो फिर 50% के दायरे से बाहर हो जाएगी बात, तो फिर कैसे? नहीं, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने बहुत मेहनत किया है मध्य प्रदेश के, और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी मापदंडों का और पालन किया है। जो ट्रिपल टेस्ट उनका पालन करना था, वो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने उस ट्रिपल टेस्ट का पालन किया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी परिस्थिति में 50% का जो सीलिंग है, जो कैप है, उसके बाहर आरक्षण ना जाए। उनकी सिफारिशें कानूनन सही हैं और वो इस कैप का भी 50% के कैप का पालन किया है, और ये पूरे प्रदेश भर के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि निर्वाचन में सभी वर्गों को साथ लेकर के जाने का अवसर आया। सर, कितना फीसदी फिर आरक्षण लागू होगा उसका रिपोर्ट के आधार पर? नहीं, रिपोर्ट के ओबीसी को उनका जो लाभ है वो मिला है, और जितना प्रतिशत है वो अलग अलग वार्डों में अलग अलग सामाजिक भौगोलिक स्थिति देखते हुए मिला हुआ है, लेकिन ओवरऑल रिजर्वेशन जो ओबीसी को है वो 25-27% के आसपास। कब तक अधिसूचना जारी करने के लिए कहा? अधिसूचना एक सप्ताह के अंदर देने का जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, देखते हैं। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया, और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी, हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा, और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं, अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए, अब पूरे आनंद के साथ
ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा तो कमलनाथ ने भी पलटवार किया है, देखिए। ये कांग्रेस को तो अब माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने कभी इस बात के प्रयास नहीं किए कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत निकाय के चुनाव हो। और दूसरा, हम जब प्रयास कर रहे थे, हमने आयोग बनाया, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया, हमने सारे फैक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखे तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई ठीक ढंग से जानकारी नहीं रखी। हम लोगों ने जिस तैयारी के साथ और जिस फैक्ट के साथ और जिस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये देश का पहला केस है और इसलिए सरकार ने कितनी मजबूती से ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं होना चाहिए और आरक्षण के साथ ही चुनाव। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की आबादी 50% से ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट का, ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है, ट्रिपल टेस्ट की बात तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन्होंने सही तरीके से नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा, ये मैं मानता हूँ और अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे